नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लॉ गुरु में मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिसर्च के अंदर डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च के बारे में अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी काइंड्स ऑफ रिसर्च के बारे में जिसमें हमने बताया था कि रिसर्च जो है वो तीन तरह की होती है पहली लीगल रिसर्च दूसरी डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च और तीसरी इंडक्शन और डिडक्शन रिसर्च और उसी के साथ साथ हमने बात कही थी पहले सोशलो लीगल रिसर्च के बारे में तो आज हम कवर करेंगे डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च को जिसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च और लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च की तो दोस्तों डॉक्ट्रिनल रिसर्च को ट्रेडिशनल रिसर्च भी कहा जाता है या ये कहें कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च को ट्रेडिशनल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है तो क्या होती है डॉक्ट्रिनल रिसर्च डॉक्ट्रिनल रिसर्च मीन्स अ रिसर्च दैट हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन अ लार्ज प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशंस बाय वे ऑफ एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग स्टेचुटरी प्रोविजंस एंड कॉजेस अडॉप्टिंग रीजनिंग पावर यानी कि दोस्तों डॉक्ट्रिनल रिसर्च को ट्रेडिशनल रिसर्च भी हम कहते हैं जिसमें जो पुराने जितने भी स्टेचुटरी लॉज थे जितने भी स्टेचुटरी प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस को एनालाइज करके उन पर रिसर्च करना ये कहें कि उनके कॉजे को अडॉप्ट करके उनको एनालाइज करके उन पर रिसर्च करना डॉक्ट्रिनल रिसर्च कहलाता है वहीं हम बात करते हैं एस एन जैन के मुताबिक डॉक्ट्रिनल रिसर्च इन्वॉल्व एनालाइजिंग ऑफ केस लॉ अरेंजिंग ऑर्डरिंग और सिस्टमाइज़ करना लीगल प्रोपोजन को एंड स्टडी ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन थ्रू लीगल रीजनिंग यानी कि दोस्तों एस एन जैन कहते हैं कि डॉक्टरल रिसर्च का मतलब होता है जिसमें एनालाइज़ करना केस लॉ को जितने भी लीगल प्रोविजनस है जितने भी लीगल प्रोपोजिशन हैं उनको अरेंज करना ऑर्डर करना सिस्टमेटिक वे में या ये कहें कि किसी भी लीगल इंस्टीट्यूट में स्टडी करना लीगल रीजनिंग की उसको हम डॉक्टरनल रिसर्च कहते हैं ये तो थी बात डॉक्ट्रिनल रिसर्च की जिसको हम ट्रेडिशनल रिसर्च भी कहते हैं वहीं अगर हम बात करें नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च की नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च एम्पेरिकल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च कैन बी कॉल्ड एज द लेटेस्ट रिसर्च इट मीन्स दिस रिसर्च इन लॉ इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन तो दोस्तों नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च को एम्पेरिकल रिसर्च भी कहते हैं या ये कहें कि इसको एम्पेरिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है ये लेटेस्ट रिसर्च होती है या ये कहें कि इसको लॉ की भाषा में लॉ में इसको रिसेंट ऑरिजिन रिसर्च भी कहा जाता है वहीं अगर हम बात करें एम्पेरिकल की कि एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है एम्पेरिक मीन्स इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड नॉट ऑन एनी थ्योरी यानी कि इस तरह की रिसर्च जो होती हैं ये टोटली totally ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होती है एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होती है ना कि, कि किसी थ्योरी पर ऊपर वाली हमने डॉक्ट्रिनल रिसर्च की अगर हम बात करें तो पुरानी जितनी भी थ्योरीज होती हैं उन पर रिसर्च कर उनको एनालाइज़ करना वो डॉक्टरिनल रिसर्च कहलाता है पर नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट करना ऑब्जर्व करना चीज़ों को ना कि, कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड चीज़ों को एनालाइज़ करना तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च यहीं से निकल के आ गई इन दोनों की एक डिफरेंसेज अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च तो पहले कैरेक्टरिस्टिक है इसमें द स्टडी इज़ मेनली बेस्ड ऑन प्रोपोजिशंस यानी कि दोस्तों डॉक्टर रिसर्च की जो स्टडी है वो मेनली जो बेस्ड है वो है प्रोपोजिशंस पर दूसरा पॉइंट है इसमें इट इज़ कंसर्न विद वाट द पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ सेज एंड नॉट द अथॉरिटी सेज यानी कि ये जो कंसर्न करती है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है मेन पर्पस है सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि क्या लॉ का जो डॉक्टराइन है प्रिंसिपल है वो कह रहा है ना कि उसको मतलब नहीं है कि लॉ का अथॉरिटी जो है वो क्या कहना चाहती है इस डॉक्ट्राइन से या उसका पर्पस क्या था कोई लेना देना नहीं है सिर्फ वो पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन क्या कहता है वहीं तक इसकी जो कंसर्न है वहीं तक इसकी जो चीज़ें हैं वो सीमित हैं अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन डॉक्टरनल रिसर्च की तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लीगल डॉ डिसीजन मेकिंग यानी कि दोस्तों पहले आइडेंटिफाई करता है उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से जो लॉ मेकर थे उन्होंने किस पर्पस से उस लॉ को बनाया उनका लीगल डिसीजन क्या था उसको लॉ को बनाने का दूसरा पॉइंट है टू ट्रेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड आउटकम्स ऑफ लीगल डिसीजंस अब यहाँ पे क्या करता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं उनको ट्रेस करता है और क्या आउटकम निकल के आना है उन लीगल डिसीजन के उसको एनालाइज करता है तीसरा पॉइंट है इट्स टेक्निक कैन बी कॉल्ड एज फैक्ट रिसर्च अब दोस्तों इसकी टेक्निक को फैक्ट रिसर्च क्यों कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है क्योंकि चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वहाँ पर हम लोगों के सामने कुछ ना कुछ फैक्ट निकल के ज़रूर आएगा फोर्थ पॉइंट है इट इज़ एन इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड वेरीफाई जनरल रूल्स विच डोमिनेट ह्यूमन बींग जो लॉ के जनरल रूल्स हैं उनको उनकी इंक्वायरी करता है उनको डिस्कवर करता है ताकि कि ये पता लगा सके वो कौन कौन से जनरल रूल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को डोमिनेट करते हैं तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च के अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की यानी कि डिस्टिंगशन बिटवीन डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च की या ये कहें कि डिफरेंसेज बिटवीन डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च तो दोस्तों इसमें बेसिकली हमें पाँच डिफ्रेंसेज देखने हैं पहला है डॉक्ट्रिनल रिसर्च कंसर्न विद लीगल प्रोपोजिशंस एंड डॉक्ट्राइंस नॉन डॉक्टरनल रिसर्च इज कंसर्न विद पीपल सोशल वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि दोस्तों डॉक्टरनल रिसर्च जो है वो लीगल प्रोपोजिशन और उनके डॉक्ट्राइंस की बात करता है सिर्फ वहीं अगर हम बात करें नॉन डॉक्टरनल रिसर्च की तो वो बात करता है पीपल की सोशल वैल्यूज की और सोशल इंस्टीट्यूशनस की दूसरा पॉइंट है द सोर्स ऑफ डॉक्टरनल रिसर्च आर लीगल एंड एपिलेट कोर्ट डिसीजन इन नॉन डॉक्टरनल रिसर्च डाटा आर लेस एंड न्यू टेक्निक्स हैव टू बी यूज यानी कि दोस्तों डॉक्टरनल रिसर्च में जो उसका सोर्स है वो लीगल और एपलेट कोर्ट के जो डिसीजनस हैं बस वही है डॉक्टरनल रिसर्च में क्या होता है जितने भी पुराने स्टेच्यूटरी प्रोविजनस हैं उनको रिसर्च करते हैं उनको एनाल करते हैं तो उनका जो हमारा जो सोर्स है वो क्या है एपिलेट कोर्ट हो गया या लीगल जो कोर्ट हैं उनके डिसीजनस हो गए वहीं अगर हम बात करें नॉन डॉक्टरनल रिसर्च के सोर्स की तो उसका जो सोर्स है वो न्यू टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करके नई नई ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके एनालाइज करते हैं वो इसका सोर्स है थर्ड पॉइंट है इन डॉक्टरनल रिसर्च इट इज़ नॉट कंसर्न विद पीपल बट विद डॉक्यूमेंट्स इन नॉन डॉक्टरनल रिसर्च मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सोसाइटी एंड पीपल यानी कि दोस्तों डॉक्टरनल रिसर्च जो है उसका जो मेन कंसर्न है वो है डॉक्यूमेंट्स से ना कि के पीपल से वहीं अगर हम बात करें नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च की तो उसका जो मोर कंसर्न है उसने जो इम्पोर्टेंस दी है वो सोसाइटी को दी है पीपल को दी है ना कि के डॉक्यूमेंट्स को हम बार बार इसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं क्यों क्योंकि नॉन डॉक्ट्रिनल जो बात करता है वो बात करता है ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंट की दोस्तों हम बार बार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए ताकि कि आपके माइंड में डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल जो रिसर्च है उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की इन डॉक्ट्रिनल रिसर्च द स्कोप इज नैरोअर इन नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च द स्कोप इज़ वाइडर इस पॉइंट को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो हम एक सीमित एक उसमें लिमिटेड उसमें एरिया में सीमिट किया जाते हैं पर हम बात करते हैं सोसाइटी की पीपल की लोगों की तो हम बड़े पैमाने तक रिसर्च कर सकते हैं लास्ट पॉइंट है नो नीड फॉर ट्रेनिंग टू कलेक्ट डाटा इन डॉक्टरनल रिसर्च बट इन नॉन डॉक्टरनल मेथड ट्रेनिंग इज़ नीडेड यानी कि दोस्तों अगर नॉन डॉक्टरनल रिसर्च की अगर हम बात करें तो किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं आपके सामने डाटा है आपने उसे एनालाइज़ किया और रिसर्च करनी शुरू कर दी पर नॉन डॉक्टरनल रिसर्च के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी किस तरह से सवाल करने हैं किस तरह से रिसर्च करनी है किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने हैं ऑब्जर्वेशन करनी है किस तरह से आपको सोसाइटी में जाना है लोगों से बात करनी है डाटा कलेक्ट करना है इन सब के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही मेजर फैक्टर है मेजर डिफ्रेंसेज है इन दोनों रिसर्च के बीच में तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन एंड डिडक्शन रिसर्च के बारे में इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें वहाँ पर मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप इंटरटेनिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखना चाहते हैं या ये कहें कि इंटरेस्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप लीगल टॉक्स जी हाँ दोस्तों यूट्यूब चैनल है लीगल टॉक्स उस पर जाकर इंटरटेनिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं और अपने आप को इन्जॉय कर सकते हैं चैनल पर जाने के लिए आप इधर क्लिक करके डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं अगर आपको उस चैनल पर जाकर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ चैनल को शेयर जरूर करें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद